असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब कैसे हो आज हम बनाने जा रहे हैं चीक बना रहे इसको बल्ली भी बोलते हैं जो गाय का डिलीवरी हो जाएगा इसका सेकंड डे का दूध से बना रहे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आप में से कोई भी मेरा चैनल पे पहले बार आया प्लीज़ डोंट फारगेट सब्सक्राइब माई चैनल डोंट प्रेस द बेल आइकन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़ अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो फैमिली इन्फ्रेंस में शेयर करने के लिए बोलना नहीं आगे आगे हम आपको बताएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए चीक बनाने के लिए हम इधर तीन कप बली लिया साथ में हम इधर पावना कप सादा दूध भी लिया तीन कप चीक लिया इसमें हमने सादा पावना कप दूध भी ऐड किया ये बनाने के लिए तीन कप चीक लिया और पौना कप सादा दूध भी लिया अभी हम इसमें ऐड किया ऑफ साफरान अभी हम इसमें एक टेबल स्पून ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर इसमें ऐड किया अभी इसको अच्छा से मिक्स करने का अभी हमको इसमें चाहिए तीन टेबल स्पून शुगर का पाउडर शुगर आपका हिसाब से आप ऐड करने का जितना मीठा चाहिए जितना मीठा कम चाहिए वो आपके हिसाब से अभी हम इसमें इस क्वार्टर टी स्पून का पाउडर ऐड किया अभी हम इसमें थोड़ा जयफल कद्दू कच करके डाल रहे हैं ये भी डाल के अच्छा से इसको मिक्स करने का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़ अगर आपको पसंद आया फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए भूलना नहीं अभी इन सबको अच्छा से मिक्स करने का अभी ये अच्छा से मिक्स हो गया हमने टिन लिया इसमें घी ग्रेस करके रख इसमें अभी हमने जो बना के रखा चीख इसमें डाल के स्टीम देगा अभी अभी हम ये शिफ्ट कर रहे हैं अभी इसको अच्छा से शिफ्ट करके अभी चीख पूरा इसमें शिफ्ट किया हमने एक पतीले में हमने इधर पानी रखा पानी जैसे गर्म हो जाएगा पानी जैसे गर्म होते इसमें चीख का बर्तन रख के देगा अभी इसको ब्लैक तिल से गार्निशिंग करके इसको स्टीम देगा अभी इसको ऊपर हमने ब्लैक तिल से गार्निशिंग कर रहे हैं। अभी इसको गार्निशिंग करने के बाद ढक्कन लगा के बंद करके ढक्कन लगा के बंद करके अच्छा से इसको स्टीम देगा दस से पंद्रह मिनट तक इसको स्टीम देगा अभी ब्लैक तिल से पूरा गार्निशिंग हो गया अभी इसको ऊपर हमने एक छोटा ढक्कन लगा के रखा अभी इसको ऊपर भी हमने एक दूसरा ढक्कन लगा के रखा अभी इसको 10-15 मिनट के लिए हम इसे रखेगा। अभी ये 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में रखे पकाएगा। आएगा अभी हम फ्लेम बंद किया हमारा चीक तैयार हो गया अभी रूम टेम्परेचर में चार पाँच घंटा के लिए रखेगा इसके बाद इसको डिशआउट करेगा माशाला से चीख तैयार हो गया आप भी ज़रा बना के देखने का कमेंट बॉक्स में हमको बताने का आपको कैसा लगा ये डिश ये बहुत टेस्टी भी है ई भी है ये हमने बनाया जो गाय डिलीवरी करते इसका सेकेंड डे का दूध से हमने बनाया इसको बज्ली बोलते हैं चिक भी बोलते हैं यह बहुत टेस्टी भी है ई भी है आप भी ज़रूर बना के देखने का कमेंट बॉक्स में हमको बताने का आपको कैसा लगा ये डिश अगर आपको मेरा वीडियो पस, पसंद आया फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए भूलना नहीं वीडियो के क्लिक देने के लिए भूलना नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी भूलना नहीं Thank you for watching my video. See you soon inshallah with new recipe. Allah hafiz.